चलिए अब हम गे लुसैक्स लॉ के रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर एक गैस है जिसका प्रेशर 699 mm Hg है एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो हमें ये पूछा है कि स्टैंडर्ड प्रेशर पे इसका टेम्परेचर क्या होगा, मतलब कि 1 bar प्रेशर पे इसका टेम्परेचर कितना होगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो हम गे लुसैक्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें बोला है कि हमारा इनिशियल प्रेशर 699 mm Hg है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे है, और हमें पूछा है कि 1 bar या 760 mm Hg पे हमारा ये टेम्परेचर कितना होगा। तो हम सिंपली गे लुसैक्स लॉ की इक्वेशन को अप्लाई करेंगे जो कि P1/T1 = P2/T2 है, और उससे हमें ये मिलेगा कि ये टेम्परेचर 67.3 डिग्री सेल्सियस होगा।